घोड़ लगती है, श्रावण के महीने में घोड़ लगती है, श्रावण के महीने में घोड़ लगती है, मैं 1000 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। अभी अभी आप भी सुनते होगे, बोलो तो सरी जरा, विधि सवाल हो, बोलो सुनते हो कि नहीं सुनते, अरे बोलो तो जम के, सुनते हो? कोई कहेगा 1,25,00,000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 1,000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 500 बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 1,25,00,000 बेलपत्र चढ़ाओ कि 50,000 चढ़ाओ। शिव महापुराण में इतना जरूर लिखा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ लगाया है तो एक बेलपत्र चढ़ाने के तुम अधिकारी हो। किसी का लगा लगाया पेड़, किसी का बड़ा सारा वृक्ष, और तुम्हारा मन कर गया 1,25,00,000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उस बेलपत्र के सारे पत्तों को, सारे पत्र को तुमने तोड़ लिया, शिव जी को समर्पित कर दिया। बेलपत्र का वृक्ष भी सोचता है जिंदगी में एक पेड़ ना लगाया, जिंदगी में एक वृक्ष ना लगाया, जिंदगी में वृक्ष को कटवाया पर लगाया नहीं, और वृक्ष लगाया नहीं और बेलपत्री का पत्ता तुम शिव जी को चढ़ाओ, मेरा ओघरदानी स्वीकार नहीं करता। ध्यान देना, अगर शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का शौक रखते हो और अपने मरने के बाद भी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़वाना चाहते हो तो एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ो कि हम भी एक बेलपत्र का वृक्ष लगाएंगे जिससे हमारा वो लगाया हुआ वृक्ष का बेलपत्र भगवान देवदत्त महादेव को समर्पित हो सके, भगवान शिव को चढ़ सके। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। एक नया ट्रेड आ गया, एक नया क्रम चालू हो गया, 1,25,00,000 बेलपत्र चढ़ाएंगे। कहां से लेकर आए? तो कहा भगवान नारायण ने 108 कमल के दल भगवान शिव को समर्पित करे थे। 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने समर्पित करे थे, तो हमने वहीं से ये नियम ले लिया कि 108 बेलपत्र 108 पुष्प हम भगवान को देंगे। शुमा पुराण की कथा कहती है, जरा नारायण भगवान की कथा को तो उठाओ, पहले भगवान के विष्णु पुराण का स्मरण करो। स्वयं माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी आज मैं एक सावन के महीने में संकल्प ले रहा हूँ कि 108 कमल के पुष्प शंकर भगवान को दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, नाथ 108 कमल के दल रोज कहां से आएंगे? कमल के पुष्प रोज कहां से आएंगे? ये प्रतिदिन इतने सारे पुष्प, प्रतिदिन इतने सारे फूल जो हमें भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करना है, तो ये 108 कमल के पुष्प कहां से आएंगे? इतना सारा कमल का पुष्प कहां से आए? स्वयं मेरे नारायण विष्णु पुराण में वर्णन करते हैं, लक्ष्मी आप और हम पहले इस जलाशय में, सरोवर में कमल के पुष्प प्रकट करेंगे, कमल के पुष्प प्रकट करने के बाद फिर हम 108 कमल के पुष्प भगवान देवदत्त महादेव को समर्पित करेंगे। ये हमें सीखना चाहिए, शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए कमल का पुष्प जब भगवान विष्णु तोड़ते हैं और भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उससे पहले मेरे नारायण कमल के पुष्प को पहले जल में रोपित कर उसका विकास करते हैं, उसमें कमल का पुष्प को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं और फिर उस कमल के पुष्प को शंकर जी को चढ़ाते हैं। ये हमारे भीतर होना चाहिए। एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी, 100 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाऊंगी, 1,25,00,000 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी, पर चढ़ाने से पहले इतना अंदाजा लगा कर रखो, क्या हमने एक बेलपत्र का वृक्ष लगाया है? क्या हमने बेलपत्र का पौधा लगाया है? और अगर बेलपत्र का वृक्ष लगाया है तो हम शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाने के अधिकारी हैं। अगर हम नहीं लगा पाए तो इस बारिश में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बेलपत्री का पौधा लगाएंगे और एक वृक्ष को तैयार कर